मौजूद है रोहतास जिला के सासाराम के अनुमंडल कार्यालय के पास, और आपको हम बता दें कि आज यहीं पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आए थे, जो कि यहीं पर कोर्ट में पेशी होने के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि उन पर 2020 में एक FIR दर्ज की गई थी, और बताया गया था कुछ समय जो कोरोना गाइडलाइन लगा हुआ था, कोविड गाइडलाइन लगा हुआ था, और उस समय उल्लंघन करने के मामले में यूं कहें कि रोहतास जिले के करघर एक बैठक किए थे, और उसमें बताया जा रहा था कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ था, और इसी मामले में आज उनकी तारीख थी, और इसी तारीख पर कोर्ट में आज आए थे, अपनी पेशी होने आए थे। और यहाँ पर जब उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर किस मामले में आज कोर्ट में आए हुए हैं, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। करहगर थाने में एक केस मेरे ऊपर लॉन्च हुआ था, केस बिल्कुल फॉल्स है, लेकिन कोर्ट का सम्मान करना है तो कोर्ट में हाजिरी देने के लिए हम आए। अच्छा निर्णय उसमें नहीं था, बेल की बात थी, बेल ग्रांट हुआ है। तो अभी आपने देखा किस प्रकार से जैसे उपेंद्र कुशवाहा कोर्ट रूम से बाहर निकले, उनसे जब पूछा गया कि आखिर किस मामले में आज पेशी होने के लिए आए थे, तो उन्होंने बताया था कि एक फॉल्स केस था, जो कि 2020 में करघर क्षेत्र में लगाया गया था, FIR हुआ था, और उसी मामले में आज पेशी होने के लिए आए थे, और आज उनको जो है बेल मिल चुकी है। अब इस मामले में जब उन्होंने बात की उनके वकील शैलेंद्र ओझा से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के केस के वकील हैं? हाँ जी, हाजिर होने आए थे माननीय जी। जी, वो कोई विशेष मैटर नहीं था, विरोधियों द्वारा 188 कर दिया गया था, जो झूठा केस था, कोर्ट द्वारा बेल दे दिया गया 10,000 के एक मुचल के पर। कितने दिनों के लिए बेल दिया गया? क्या बेल कितने दिनों के लिए मिला है अभी? बेल परमानेंट मिला है। हाँ, परमानेंट मिला है। कब केस हुआ था? केस हुआ था 20 में। 20 में हुआ? हाँ हुआ। हाँ नहीं, कोरोना काल, कोरोना काल में हुआ था। कोरोना काल में हुआ था, मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, इन पर गलत एलिगेशन लगा दिया था, कहते कि मीटिंग कर रहे थे, जो ऐसी बात नहीं थी। कोविड गाइडलाइन जो कि ऐसी बात नहीं थी, कोर्ट ने इस बात को माना और इनको बेल दिया। अभी आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा के जो इस केस में वकील बने हुए शैलेंद्र ओझा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर सभी चीज़ों के बारे में बताया, साथ ही साथ उन्होंने बताया एक फॉल्स केस था, और उन्होंने पूरी तरह से डिटेल रूप से बताया कि कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन मामले में उन पर FIR की गई थी, उसी मामले में आज पेशी होने के लिए आए थे, और आज उनको जो है कोर्ट से परमानेंटली बेल मिल चुकी है। Gracias.